स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, और प्रोग्राम के भी हमने क्लैरिफाई किया था। भाई एक छोटा सा प्रोग्राम हमने क्लैरिफाई किया था, उसमें दो क्लास थे, एक क्लास का नाम था रूम एंड सुपर रूम। अभी ये सब कुछ स्टडी करने के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिससे ऑब्जेक्ट बनाने के रूल्स के बारे में हमने क्लैरिफाई किया था। बट मैं आपको अगेन ये प्रोग्राम के अंदर इन्फॉर्म कर दूं, जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती है, एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया, जब भी कोई वेरिएबल की डिस्प्ले नहीं होती और हम उसको फ्लॉट डिक्लेयर करते हैं या बाइट है, तो उसका आंसर क्या होता है? नल नहीं होता है, एम्प्टी नहीं होता है, क्या होता है? 0.0, 0.0, 0.0, ऐसा आंसर उसका होता है। बी केयरफुल, बोर्ड की एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था। जब भी हम डेटा डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो वो जीरो नहीं होता, जैसे फ्लॉट है तो 0.0 होता है, बाइट है देन जीरो होता है। तो ये प्रोग्राम के अंदर आपको सब कुछ क्लैरिफाई भी कर लिया था, और मैंने एक प्रोग्राम आपको होमवर्क में दिया था। उससे पहले मैं आपको रिकॉल करके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जिसे आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया। क्लास एक क्या है? टेम्पलेट है। उसका मेन पर्पज क्या होता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। साथ में हमने ये भी लर्न किया था, क्लास है ना एक कीवर्ड है, ऐसे एक न्यू करके भी कीवर्ड है, बट दोनों का पर्पस क्या है? डिफरेंट है। आपको पूछोगे क्लास के अंदर क्या होता है? वेरिएबल एंड मेथड, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। एज वेल एज यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के टोटल मेथड कितनी है? 3, डिक्लेरेशन, इंस्टॉलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन ने डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, वो टाइम क्या करना पड़ेगा? क्लास का नेम एंड वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करते हैं ना, राइट। इनिशियलाइजेशन के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज है मेमोरी अलोकेट करना, और ये मेमोरी कैसी होगी? हीप मेमोरी। याद आ रहा है आपको, हीप मेमोरी के अंदर मैंने आपको बोला था ये फिक्स स्टेबल फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के अंदर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, राइट है, और इसके अंदर हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं और भी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना हो तो ये रूम क्या है बोलो, व्हाट इज अ रूम? रूम है क्या बोलो? रूम क्या है? क्लास नेम। क्या है? वेरी गुड, क्लास नेम है मानसी, राइट ऑफ, क्लास नेम है। मिस अभी नेक्स्ट टाइम से आपको आंसर ऐसा देना है, क्लास नेम ही है, पर ये कैसा क्लास नेम है? सब क्लास है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में कितने नेम है? 2 नेम है, तो सुपर एंड सब क्लास का भी क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। अभी हम यहाँ से इनहेरिटेंस का पॉइंट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको पूछू R1 क्या है? व्हाट इज R1? एनी अदर स्टूडेंट? वेरिएबल नेम? नो, ऑब्जेक्ट नेम। अभी यहां से हमको क्लैरिफाई करना है, क्या आपको आंसर आना चाहिए? ऑब्जेक्ट नेम। वेरिएबल नेम के आगे क्या लिखना पड़ता है? देखो मैं समझा देता हूँ, वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लिखना होता है, सिंटेक्स मिक्स मत करना। ये वेरिएबल डिक्लेयर है, क्योंकि इंटीजर है ना वो डेटा टाइप है, पर यहाँ पे रूम है ना वो क्लास का नाम है, तो हमने यहाँ पे वही क्लैरिफाई करना है। जब भी ओके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना हो तो आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ता है उसके आगे? क्लास नेम, नॉट अ डेटा टाइप। ओके टोटल डेटा टाइप कितने हैं? एट है, तो 8 डेटा टाइप्स के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बाद ही वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, पर क्लास के नेम के बाद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट का जो पॉइंट था वही हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ट्राई करें। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया, रेफरेंस इज द मेमोरी ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर ऑब्जेक्ट आर स्टोर। ये मेमोरी को क्या बोला जाता है? हीप। डोंट फॉरगेट इट, ये स्पेशल पोर्शन ऑफ द मेमोरी है, मींस उसकी एक रिजर्वेशन है। जैसे एग्जांपल दो, स्पेशल रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? पेनड्राइव कितने जीबी की है? जैसे एग्जांपल मेरे पास 8 जीबी की पेनड्राइव है, तो मुझको यूज कितने जीबी करने देते हैं? 8 to 8 करने देते हैं, यस या नो? कि उसमें से लेस होता है, लेस कितना? 7.40 देगा। रिमेनिंग जो है ना उसके अंदर मेमोरी होता है, उसमें डेटा होता है, किसका होता है डेटा? पेन ड्राइव का।
सेम मैं एप्पल फोन लेता हूँ, एप्पल फोन है 128 GB का, तुम उसको 128 GB देते हैं यूटिलाइज करने के लिए? नो. क्या होता है इसके अंदर? ओनली फॉर 100 GB हमको यूज करने के लिए देता है. क्यों ऐसा? रिमेनिंग मेमोरी का क्या करते हो? उसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसका उसका तो उसका मीनिंग होता है. उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? लाइव होता है. मीन्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो 120 है तो 28 MB के अंदर, सॉरी 28 GB के अंदर ओके आपकी OS होती है. जैसे आपका एंड्रॉयड फोन है, जैसे आप 6 GB फोन यूज करो तो आपको हीप मेमोरी का क्लैरिफाई होना चाहिए. ये फिक्स रिजर्वेशन वाली मेमोरी है. बोर्ड की एग्जाम में इसमें से MCQ पूछा जा सकता है. उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करें. कोई भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के बाद उसको स्पेस देना है. क्या देना है? स्पेस. स्पेस देने के लिए कौन सा कीवर्ड है हमारे पास? मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू. न्यू उसकी सिंटेक्स है R1 इक्वल टू रूम और न्यू, और यहां पे क्लास के पीछे वापस ब्रेकेट लगा देने का. तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई? R1 को एक ऑब्जेक्ट भी है और जो रूम के अंदर स्पेस थी 13 byte समथिंग वो सब उसके अंदर चली गई, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रेकेट एम्प्टी होना चाहिए. जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, और जो एम्प्टी आर्ग्यूमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी पैरेंथेसिस को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. वेरी गुड. कौन सा बोला जाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आप मानोगे नहीं, जब मैं लक्ष्मी डायमंड के अंदर LD के अंदर जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए गया था, मुझको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है वो उसको मुझको आंसर पूछा था एज अ आफ्टर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के बाद. लक्ष्मी डायमंड में डायमंड की इंस्टीट्यूट है ना, जो वहाँ पे डायमंड है तो डायमंड के भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए मेरे माइंड में सेट है. ओके तो यहाँ पे इनकेस ये ब्रेकेट है, ब्रेकेट के अंदर कुछ हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर. यूजर डिफाइंड. तो आपको इन केस फ्यूचर में पूछे जाए टोटल कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर है? टू टाइप, एक डिफॉल्ट और यूजर डिफाइंड. यूजर डिफॉल्ट के अंदर क्या है? एम्प्टी पैरेंथेसिस. ब्रैकेट क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए. बट यूजर डिफाइंड के अंदर क्या होना चाहिए? ब्रैकेट होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ होगा, जैसे हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर समझ में आने लगेगा. तो जो ये चैप्टर आप समझो, एक बार मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा 50% 60%, अगेन मैं आपको उसको रिकॉल और उसके पीछे पीछे में वीडियो बना के भेज ही रहा हूँ आपको. तो इनकेस को भी लेक्चर्स एब्सेंट रह जाते हो प्लीज मुझको इन्फॉर्म करना आप, तो मैं वही लेक्चर आपको भेजूंगा, क्योंकि मुझको इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये आप देखोगे उसकी साइज डाउनलोड करके तो 2 GB के वीडियो है हमारे, 2 GB की वीडियो बनता है इसमें गूगल ड्राइव के अंदर. तो मैं अपलोड करूँ आपके लिए, वापस सेटअप करूँ, थोड़ा प्रॉपर वे में फॉर्मेटिंग करूँ जिससे आपको अपने मोबाइल में प्रॉपर वे में क्लैरिफाई किया जाए, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. बट फर्स्ट ऑप्शन है ओके. आपको लेक्चर अटेम्प्ट करोगे तो और भी समझ में आने लगेगा. नेक्स्ट, रूम स्पेस R2 इक्वल टू न्यू रूम. इसका मीनिंग क्या हुआ? एक ही लाइन में हमने सब कुछ डिक्लेरेशन, तो देखो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर भी कर दिया, न्यू के साथ स्पेस भी दिया, और कितनी स्पेस दी R1 को? रूम जितनी. तो जैसे आप यहाँ पे इतना प्रोसेस करोगे तो R1 और R2 दो ऑब्जेक्ट बन गए, दोनों में कॉमन फीचर्स भी है. क्या है? ये भी क्लासरूम का ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लासरूम का ऑब्जेक्ट है, पर दोनों के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? डिफरेंट. इसमें भी 4 आर्ग्यूमेंट है, लेंथ विद हाइट नंबर ऑफ, बट यहाँ पे वैल्यू क्या है? डिफरेंट है. ये एक्चुअली पर्पस क्या होता है अच्छी तरह समझना. अभी ये एग्जांपल में देना चाहता हूँ, मेरे पास 2 GB की पेन ड्राइव है. ऐसा होता है 2 GB की पेन ड्राइव के अंदर आप ओनली फॉर मूवी स्टोर कर सकते हो? नो. उसमें मिक्स डेटा भी हो सकता है. ओके 1 GB के अंदर मैंने मूवी डाला, 1 GB के अंदर मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कर सकते हैं ना ऐसा? Yes, you know. ऐसा पॉसिबल है? ओके ऐसा भी नहीं है ना, एक बार उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया बाद में उसको फॉर्मेट नहीं लगा सकते. हम जब चाहे तब फॉर्मेट लगा सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट. हाँ, पहले CD DVD में ऐसा नहीं था. एक बार DVD बन गई
बाद में उसमें कुछ यूज नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे यू ध्यान रखना है, न्यू करके एक ऑपरेटर है, नया कौन सा एक ऑपरेटर है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, अलोकेटिंग द डिफरेंट मेमोरी स्पेस होल्डिंग देयर वैल्यू। मिस लेंथ है वो पहले 14.1 था, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू में पहले 10 कर देता हूँ, बाद में क्या पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्स की वैल्यू में 10 ही रखूंगा, नो, एज पर माई यूज मैं एक्स की वैल्यू 10 की जगह पे 20 भी करता हूँ, उसको बोलते हैं ओवरराइट। क्या करते हैं ओवरराइट, जैसे 2 GB की पेन ड्राइव है उसके अंदर पूरा मूवी कॉपी पेस्ट कर दिया, बाद में वो मूवी नहीं चाहिए तो उसको पेन ड्राइव को फॉर्मेट लगा दो, वापस उसमें उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, ये वेरिएबल को क्या बोला जाता है, इंस्टेंस। ओके अभी ओपी के अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ये ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोलिए, इंस्टेंशियन, जिसमें हम स्पेस देते हैं। आपको एग्जाम में पूछा गया इंस्टेंशियन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, अलोकेटिंग मेमोरी टू द स्टोर द डेटा देयर ऑब्जेक्ट। ओके तो ये सब स्टेप आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अभी हम वापस सेम पॉइंट यहां पे क्लैरिफाई करते हैं, क्लास इज एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी एब्स्ट्रैक्शन मींस व्हाट, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्लैरिफाई किया था। ओके यहां पे और भी क्लैरिफाई दिया हुआ है, यस ये याद रखना, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विथ न्यू कीवर्ड। जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अच्छी तरह समझो, मैं आपको फिजिकली क्लासरूम में बुला रहा हूं तो मुझको कोई भी जगह पे प्लेस, सेफ प्लेस आपके लिए डिसाइड करनी पड़ेगी। एक फर्स्ट, जैसे मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो मुझको क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या करना अभी समझाता हूँ, जैसे न्यू करके हम मालूम है R1 बाद में क्लास का नेम लिखते थे और रूम करके ब्रैकेट करते थे, तो वो क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे मैं आपको किसी को एड्रेस पे किसी को बुलाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, भाई चलो आप न्यू कोसड़ आ जाओ, ऐसे नहीं, हाउस नंबर के पास नियरेस्ट बाय जो हाउस है उसका भी नाम लिखना पड़ता है जहाँ पे। ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास आर अलोकेटिंग द मेमोरी इन द डेटा स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, हीप। नेक्स्ट, ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस हैज इट इज ऑन सेट ऑफ द डेटा। ओके चलिए ये सब तो हम वापस एक बार रिपीट करेंगे, जब इसका वापस प्रॉपर रिकॉल करूंगा आगे वाले प्रोग्राम में इसके बाद समझ में आएगा। एक नया ऑपरेटर लर्न किया था, कौन सा ऑपरेटर था, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है बोलिए, डॉट ऑपरेटर का दो यूज है, हमने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करना और इंस्टेंस मेथड को कॉल करना। किसको कॉल करना है आपको, जैसे एग्जांपल दूं, आपको किसी का कॉल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका खुद का नाम ले सकता हूँ, भाई अनिकेत, कैनिल, नाम भी बुला सकते, तभी मैं आपको बुला सकता हूँ, अदरवाइज ओके आपका रोल नंबर के थ्रू भी बुला सकता हूँ। तो दोनों को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम विथ डॉट और रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड, ये दोनों का आपको यूज करना है। अभी यहाँ पे और भी क्लैरिफाई कर दे, पर यहाँ पे जो मैं समझाया था डॉट ऑपरेटर ओके कौन सी साइड से ऑपरेट होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट ओके। देन यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया, इंस्टेंस वेरिएबल जब यूज करते हैं, पेपर हार्ड आया ना तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन टू लाइन में से, जो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल आर रिफर विद इन द मेथड ऑन द सेम क्लास, तो डॉट ऑपरेटर यूज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, नो no. अभी ये इंस्टेंस वेरिएबल क्या है वो हम वापस जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस क्लास, ओके इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकेट स्टार ब्रेकेट ओवर के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे इंस्टेंस, मीन्स ऑन द स्पॉट। ओके उसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा क्लैरिफाई किया हुआ है, देखते हैं नेक्स्ट। नल पॉइंटर, नल पॉइंटर इज इनलीगली, तो इसमें से देखो रूम R1 लिख सकते हो, ओके
बट उसकी वैल्यू नल नहीं है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो आर वन डॉट ऑब्जेक्ट इनलीगली है, आर वन डॉट लेंथ नहीं कर सकते क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं दिया है। ओके, आर वन डॉट डिस्प्ले डायरेक्टली नहीं बुला सकते हैं मैथड को, तो यहाँ पे इनलीगली कौन सा है और लीगली कौन सा है वो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। देखो, इज अ रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल और इनवोक द मेथड विद इन द नल रेफरेंस, नल रेफरेंस मींस व्हाट, ब्लैंक। न्यू टॉपिक हमारा जो आज का लर्न करना था वो यहां से था। अभी तक हमने लोकल वेरिएबल लर्न किया, लोकल वेरिएबल मींस व्हाट, वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करने वाले, आपको रीड करना है। बट इससे पहले मैं आपको समझा दूं, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड अच्छी तरह समझना। जब क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना हो या क्लास मेथड डिक्लेयर करना हो तो उसके आगे एक नया वर्ड भी ऐड करना है। कौन सा वर्ड, आपने प्रोग्राम लिखा है ना, कौन सा वर्ड हमने उसके आगे लिखा था, स्टैटिक, कौन सा था, दिख रहा है आपको, स्टैटिक। एक ऐसा कीवर्ड है, उसके आगे किसी के भी सामने आप आगे लिख दोगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाता है, क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। समझ में आ रहा है या बाउंस होते जा रहा है? आप सब अवेलेबल हो? यस सर। चलो गुड, आई नो वेरी वेल डिनर का टाइम हो चुका है बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए क्लास वेरिएबल क्लास मेथड के अंदर न्यू कीवर्ड तो है ही। ओके, उसका मेन पर्पस क्या है, मेमोरी इज एलोकेटिंग द हीप एरिया स्टोर द वैल्यू, वो सब भी क्लैरिफाई किया। जब इंस्टेंस ऑन इंस्टेंस वेरिएबल ऑक्यूपाई डिफरेंट मेमोरी स्पेस, वो अभी आपको नहीं समझ में आया, जब इंस्टेंस का अलग मेमोरी स्पेस होती है, हीप एक अलग मेमोरी स्पेस है, मैं आपको प्रूफ के साथ बाद में इन्फॉर्म करूंगा। इससे पहले थोड़ा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट बुक जब रिफर करोगे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हम फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई किया, इट इज रिक्वायर्ड ओनली वन वेरिएबल पर क्लास, कंटिन्यू, इट इज अ मीनिंगलेस टू कीप द वेरिएबल एज द एट्रीब्यूट ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आएगा आपको ये पॉइंट, जब भी हम क्लैरिफाई करेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल दूं, ये आर वन आर टू जब बनाएंगे पर उसका यूज नहीं करना है, तब हम मालूम है टेम्प नाम की फाइल बनाते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, टेम्प नाम की फाइल बनती है, जब तक आपका वर्किंग है तब तक डिजाइन होगा। ओके, एक प्रैक्टिकल करके दिखा दे तो जिसे इन फ्यूचर आपको काम लगेगा। कंट्रोल पैनल ओपन करता हूं मैं, वर्किंग फोल्डर एंड फाइल के अंदर काम करते हैं, फोल्डर ऑप्शन देखते हैं। मालूम है ये सब सीक्रेट रखने के लिए सब हाइड कर देते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, देखना, राइट क्लिक करता हूँ, अच्छी तरह से समझना ये एक्चुअली प्रोग्राम में क्या होता है, हीप मेमोरी ये सब क्या है। ये फोल्डर पहले दिख रहे थे आपको, डार्क है। ओके, चलो ये सब रहने दो, मैं एक वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ। एक यहाँ पे फाइल ओपन की मैंने डॉक्यूमेंट की, जैसे मैं यहाँ पे देखो एक नीचे एक फाइल बन गई, दिख रहा है आपको, ये मैंने नहीं बनाई, ऑब्जो क्रॉप, ये अभी जो फाइल है मैं आपको ये क्लैरिफाई करवाना चाहता हूं। देखो ये न्यू रीच है, ये वापस न्यू रीच करके एक नई फाइल बन गई है, दिख रही है, आप जूम करके भी देख सकते हो। यस या नो, हीप मेमोरी क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, वो आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे इन फ्यूचर कभी भी ये प्रोग्राम के अंदर गड़बड़ी ना हो। ये देखो ये डार्क है, ये थोड़ा सा लॉक करके लिखा है, ये विजिबल हो रहा है आपको? यस। ये इसका मीनिंग क्या है, मैं देखो सॉफ्टवेयर क्लोज कर दूंगा ना, ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, वापस चली जाएगी।
चला गया। तो मैं ये डॉक्यूमेंट खोलता हूं ना, ओपन करता हूं ना, वो टाइम आपके रैम के अंदर इसकी स्पेस रिजर्व हो जाती है। ओके चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्पेस कहाँ पे रिजर्व होती है, कैसे ये सब क्लैरिफाई करते हैं। कंट्रोल डिलीट करो, एक्चुअली ये आपको दिखेगा नहीं, कंट्रोल अल्ट्रा डिलीट का टास्क ऐसा होता है। अभी स्टार्ट मेनू दिखेगा डायरेक्टली, दिख रहा है स्टार्ट मेनू। अभी आप प्रोसेस के अंदर देखोगे ना, ये सब प्रोसेस है, गूगल क्रोम ये सब दिख रही है। इसमें कई ऐसी फिक्स मेमोरी होते हैं जो रिजर्व होती है। देख रहे हो यहाँ पे हम मीट चला रहे हैं ना, तो देखो ये गूगल क्रोम डॉट exe वो सीपीयू रिजर्व होता है, उसकी स्पेस देखना रैम। सर्विसेज है वो फिक्स होती है। देखो परफॉर्मेंस, ओके ये प्रोसेस टाइम है। मैं जैसे ये सॉफ्टवेयर देखना, ये लिंक है ना, जैसे ये सॉफ्टवेयर खोलता हूँ ना, देखना अभी झटका लग गया, वापस आ गया बंद है। देखो ऊपर गया सिग्नल, अब जूम करोगे तो दिखेगा प्रॉपर, मेरी साइड से भी जूम करोगे अब दिख रहे हो यहाँ पे सिग्नल टॉप पे जाके वापस आ गया। अभी इतनी 2 GB जो लैपटॉप के अंदर रैम है, इसके अंदर इतना ही है, और 36 45 है। वापस ये सॉफ्टवेयर है उसको क्लोज कर दूंगा या टाइपिंग करूंगा तो झटका लगेगा, देखना देखो डाउन आ गया, सॉफ्टवेयर को बंद किया। ओके कहने का एक फोल्डर खोलता हूँ, वापस बंद करता हूँ, तो ये अप डाउन होता रहता है ग्राफ। तो ये प्रोसेस, ये रिजर्व मेमोरी है, उसका एक बेस एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे स्टडी करने की ट्राई की है। सेम यहाँ पे स्टेटिक, और ये अभी देखो वैल्यू ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल आर नॉट इन द इंस्टेंस, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेमोरी एलोकेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हमने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया था, अभी आगे वाले डायग्राम के अंदर देखा, तो P1 डिक्लेयर करते हो तो आपको वापस एक मेमोरी मिल जाती है फॉर वो ऑप्शन के लिए। P2 तो उसके लिए अलग होता है, समझाता हूँ इसके एग्जांपल क्लैरिफाई करना है। आप ऐसे करते हो, एक मूवी के लिए अलग पेन ड्राइव, दूसरे मूवी के लिए अलग पेन ड्राइव, ऐसा करते हो कि एक ही पेन ड्राइव के अंदर वन बाय वन मूवी स्टोर करते हो, बोलो। आगे वाले प्रोग्राम के अंदर हमने ऐसा किया था भाई, रूम के लिए R1 अलग ही दिया था, रूम टू के R2 अलग दिया था, पर अभी हमको ऐसा नहीं करना है। ओके देखो एक नया कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, स्टैटिक। स्टैटिक तो अभी तक के जो हमने स्टडी किया था, न्यू कीवर्ड, क्लास कीवर्ड और प्लस यहाँ पे, तो शॉर्ट एंड स्वीट अभी के लिए आपको क्या समझना है,
ओके रेडी सॉरी, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था, राइट है आपको? यस या नो? आई होप सो आपने सबने रीड भी कर लिया होगा, रीड किया है? नो सर, यस सर, सर मेरा नो है, मुझे नहीं पता था। ओके चलो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करवा देता हूँ, इसके अंदर क्या था, रीड करने के अंदर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें कितने क्लास हैं? ये प्रोग्राम में क्लास कितने हैं? दो क्लास हैं, एक क्लास रूम और एक क्लास रूम डेमोस्टेटिक। समझ में आया इतना? आपको ये पूछे ये क्लास के अंदर कितने, ये प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास हैं, तो क्लास रूम एंड क्लास रूम स्टेटिक। ओके बाद में मुझको ये डिसाइड करके दो मेरा प्रोग्राम का नाम क्या होगा इसके अंदर, बोलो तो ये प्रोग्राम का नाम demostatic.java। क्यों? उसके रीजन है, इसमें void main किस में लिखा है? रूम डेमोस्टेटिक। तो देखो यहाँ पे नाम क्या लिखा है प्रोग्राम का, रूम डेमोस्टेटिक डॉट जावा। ऐसे दो तीन बार प्रोग्राम में आपको स्टडी करवाऊंगा, समझाऊंगा, इसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करना है। आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस इसके लिए करनी होगी कि ये प्रोग्राम आपको उसको बेस बनाने थियरी पर्पस। ओके चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। ये है आपका सब क्लास, दोनों क्लास है पर ये कैसा क्लास है, सब क्लास। तो उसके सामने ये क्या बन जाएगा सर? स्क्रीन शेयर करो, सॉरी ओके क्लैरिफाई करवा दो वापस पूरा प्रोग्राम, मिसअंडरस्टैंडिंग की मुझको ऐसा लगा सेरिंग है। ये प्रोग्राम के अंदर दो है क्लास, एक क्लास रूम, दूसरा है क्लास रूम डेमोस्ट्रेशन। ओके तो प्रोग्राम का नेम कैसे डिसाइड करना है, जो भी क्लास के अंदर मेन हो तो हम उसका प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे, रूम डेमोस्टेटिक डॉट जावा। ओके चलो ये क्लियर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी समझना है, तो ये क्लास क्या बन जाता है, ये सुपर क्लास क्या बन जाएगा, सुपर क्लास। तो उसके अपोज में क्या आएगा, सब क्लास। ये सुपर के सामने क्या आएगा, सब क्लास। तो हमने कंसेप्ट ऐसा स्टडी किया था, जैसे सब क्लास है वो सुपर क्लास को एरो दिखाता है, और इन फ्यूचर में इसकी मेथड जो भी हमने इसके अंदर जो भी बनाया है वो सब यूज कौन करेगा, सुपर क्लास। ओके कैसे समझाता हूं, और यहाँ पे क्या अभी तक आगे वाले प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है बोलो तो, थ्री वेरिएबल है जो फ्लॉट है, बाइट में नंबर ऑफ द विंडो है, और एक नया कंसेप्ट यहाँ पे ये है, कौन सा है, स्टेटिक इंटीजर टोट विंडो। और इसको कंसेप्ट को क्या बोला है, क्लास वेरिएबल। अभी एग्जाम में आपको पूछे क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वेरिएबल के आगे क्या लगा देना है आपको, स्टेटिक कीवर्ड, क्या ऐड कर देना है, स्टेटिक कीवर्ड। इतना क्लियर है आपको? यस सर। ओके चलिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे और भी समझते हैं, मैं अभी अलग अलग कलर कोड से आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई करता हूं। ये मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर थ्री, मेथड नंबर फोर, टोटल मैं आपको पूछूं सब क्लास के अंदर टोटल कितनी मेथड है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फोर, वन फोर टू थ्री एंड फोर। ओके चलिए बाद में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, चलो ये सब तो क्लैरिफाई है, वाइड सेट एट्रीब्यूट के अंदर आर्ग्यूमेंट कितनी है,
फोर है और इसके अंदर यस, तो हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है लेंथ इक्वल टू एल, विथ इक्वल टू डब्ल्यू, हाइट इक्वल टू एच, समझना अभी ओके okay, एक नया पॉइंट है यहाँ पे। आगे वाले में क्या लिखा था मालूम है यहाँ पे, नंबर ऑफ द विंडो सब कुछ लिखा था, बट यहाँ पे ये नहीं है, नंबर ऑफ द विंडो, नंबर इक्वल टू विंडो इक्वल टू एन लिखा था आगे वाले प्रोग्राम में, याद है आपको, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, उसी की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे देखो तो, सेट विंडो इक्वल टू एंड, सेट विंडो कहाँ है ये वाला नेक्स्ट के अंदर, देखिए मींस उसका मीनिंग क्या है, जो नेक्स्ट मेथड है ना, ये मेथड का नाम किसके अंदर लिखा है, सेट एट्रीब्यूट के अंदर, अभी आपको स्लोली स्लोली ट्रैक पे लेके आऊंगा मैं, ध्यान रखना यहाँ पे। इसके बाद सेट विंडो के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर वापस क्या लिखा है, टोट विंडो इक्वल टू टोटल विंडो माइनस नंबर ऑफ द विंडो प्लस एन, फॉर्मूला लिखा है, और नंबर ऑफ द विंडो इक्वल टू एन लिखा है, जो ब्रेकेट के अंदर हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो ये प्रोग्राम समझना, जैसे आप बोल रहे हो ना सर जावा इजी है, तो यहाँ से एक एक लाइन हमको क्लैरिफाई करना है ओके। रिमेनिंग था वो सब सेम है भाई, रिटर्न फ्लॉट लेंथ मल्टीप्लाई विथ ओके, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे थ्री टाइम लिख दिया, क्यों ऐसा, जो विथ था ना वो एडिशन करके यहाँ पे प्लस सिंबल के साथ यूज कर लिया, तो सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एक लाइन की जगह पे, मीन फोर लाइन की जगह पे किस में लिख दिया उसने, थ्री लाइन में, आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो तो भी चलता है। यहां तक किसी को क्वेरी है, बोलो यस या नो ओके। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर हम यहां पे ध्यान रखते हैं, देखो सेट एट्रीब्यूट रूम आर वन न्यू रूम करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अपोज में यहां पे दो ऑब्जेक्ट है R1 और R2, आगे वाले प्रोग्राम में सिंगल लाइन में लिखा था, वापस उसने डिस्प्ले नहीं लिखा, डायरेक्टली पहले वैल्यू सेट की सेट एट्रीब्यूट से और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी ये आपको समझाने के लिए मैं आपको समझा दूं, अच्छी तरह समझना, अभी तक इसके अंदर जितनी भी मैथड थी ना, क्या मैथड थी, सेट एट्रीब्यूट, वो सबको यूज करने के लिए हम आगे क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट का नाम आर वन डॉट डिस्प्ले, आर टू डॉट डिस्प्ले, ऐसा लिखते थे यस या नो, यस, ऑब्जेक्ट का नाम और मेथड का नाम, बट यहां पे देखो रूम डॉट टोट विंडो लिखा है, क्यों ऐसा, देखो ये टोट विंडो, इसका मीनिंग क्या होता है, यहां पे जब भी वेरिएबल के आगे स्टेटिक हो मीन्स क्लास वेरिएबल हो, जब भी उसको यूज करना है तो उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है, आर वन डॉट टोट विंडो नहीं लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, रूम, क्यों ऐसा, इसके लिए तो हमने क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये अभी आपको फिजिकली तो मैं आपको जब आएगा तब वापस ये प्रोग्राम समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट डिफरेंट आता है, आउटपुट डिफरेंट मीन्स व्हाट, ये इसके जैसा काम है ओके। मैं डायरेक्टली नहीं बोलता भाई महक आप येसा को बुलाओ, मैं ऐसा बोलूंगा येसा आप महक को बुलाओ ना, इनडायरेक्टली मैंने बुलाने की ट्राई किया यहाँ पे, बट जब भी मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसके आगे क्या लगा दूंगा, स्टेटिक, स्टेटिक नाम का कीवर्ड लगाऊंगा, तब ये वेरिएबल टोट विंडो को जब भी मुझको यूज करना होगा तो मैं डायरेक्टली उसके आगे क्या लिख दूंगा, रूम मिस क्लास का नाम, ये प्रोग्राम के अंदर ये क्लैरिफाई करना था। थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आज के लेक्चर के अंदर 100 में से 40% समझ में आया, 40 यस सर ओके। आई नो वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा बाउंस होते जा रहा है, बट आई कैन ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये सब ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए बड़ा बोर्ड चाहिए, उसके अंदर एक एक वर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये चेस जैसा काम है ओके। इसका मीनिंग क्या होता है ओके,
अभी तक के जितनी भी मेथड थी ना यहाँ पे सेट सेट विंडो एरिया ये सब यूज करने के लिए उसके आगे क्या लगाते थे हम ऑब्जेक्ट का नाम था देखो आर वन डॉट सेट एट्रीब्यूट आर टू डॉट सेट एट्रीब्यूट आर वन डॉट डिस्प्ले ये सब ऑब्जेक्ट है पर ये टोट विंडो भी वेरिएबल ही है ना और उसके आगे क्या लगा दिया रूम क्यों ऐसा किया उसका रीजन ये है उसके आगे हमने स्टेटिक नाम का कीवर्ड यूज किया है ओके उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं ये प्रोग्राम का आउटपुट क्यों आया वो बाद में हम समझेंगे ओके अब अच्छी तरह समझना ये प्राइम वाला नहीं एक प्रोग्राम आपको लिखने के लिए दिया था मैंने पॉलीमर्फिज्म का आगे वाला प्रोग्राम आपने समझा ना बराबर ये प्रोग्राम के अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा ओके चले इससे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट ये क्लैरिफाई करवाता हूँ कितने टाइप के वेरिएबल है थ्री टाइप्स थ्री है ग्लोबल इंस्टेंस क्लास अभी देखो ये रीड करना है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं अभी देखते हो आप बोले हो 40% समझ में आया तो उसका रीजन यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको आंसर देना है और कुछ नहीं करना है प्रोग्राम लिखा ना सबने ये क्लास के अंदर ये प्रोग्राम के अंदर कितने क्लास है बोलो थ्री क्लास कितने नहीं दो दो है दो कौन सा प्रिंट क्लास प्रिंट लाइन और पॉली डेमो ओके चले यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ये प्रिंट लाइन के अंदर मेथड कितनी है थ्री ओके ये सब मेथड के आगे हमने क्या लिखा है देखो तो स्टैटिक तो ये कौन सी मेथड हुई क्लास कौन सी मेथड हुई क्लास मेथड हुई ओके इतना समझ में आया आपको क्लास मेथड है कौन सा है मेथड के आगे हमने जितनी भी मेथड है उसके आगे हमने स्टैटिक लिखा तो उसका मीनिंग क्या हुआ देखो यहाँ पे स्टैटिक है ये स्टैटिक लिखा वो वन अभी देखो कोई वेरिएबल के आगे मैं स्टैटिक लगाता हूँ तो कौन सा वेरिएबल बन जाता है क्लास वेरिएबल बनता है तो मेथड के पीछे ऐसे स्टैटिक लगाता हूँ आगे लगाता हूँ तो क्या बन जाता है बोलो क्लास मेथड ओके अभी समझना अच्छी तरह मैं जब उसका यूज करता हूँ ये क्लास के अंदर यूज करता हूँ ना ये पेरेंट क्लास है उसका ये सब क्लास है ओके मैं इसको बुला रहा हूं यहां पे इसको बुला रहा हूं यहां पे और इसको बुला रहा हूं यहां पे दिख रहा है तीन तीन लाइन है तीन पॉइंट्स है पर उसके आगे मैंने क्या लिखा है यहां पे प्रिंट लाइन करके देखो तो कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने मैं ऐसा बनाया ऐसा प्रिंट लाइन देखो अभी समझाता हूं प्रिंट लाइन पी वन ऐसा मैंने बनाया है यहां पे P1 इक्वल टू न्यू रूम ब्रेक स्टार्ट ब्रेक इट ओवर ऐसा कुछ डिजाइन किया हमने नो नो हमने ये सब यूज किए बिना ही हमने किसका नाम लिख दिया है देखो तो यहां पे किसका नाम है ये प्रिंट लाइन ये वाला ये किसका नाम है देखो प्रिंट लाइन दिख रहा है आपको ये है क्लास का नाम दिख रहा है आपको पी और एल कैपिटल है कैपिटल स्मॉल का यहाँ पे ध्यान रखना है और ये जो प्रिंट लाइन है ना वो सब स्मॉल है इसमें जीरो आर्ग्यूमेंट है तो देखो ये जीरो वाला है इसमें वन आर्ग्यूमेंट है तो इसमें वन आर्ग्यूमेंट है 50 इसमें टू आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे टू है थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ओके आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे उसके हिसाब से मेरे